उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से भयावह कर देने वाली खबर आई सामने। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा का रामराज लाने का असली मकसद यही है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के उड़े परचक्के, आखिर कब होगी यूपी की कानून व्यवस्था बहाल? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर यूं तो हमेशा ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगने का पुराना नाता है, लेकिन एक बार फिर योगी सरकार को यह खबर कटघरे में खड़ा करती दिख रही है। साथियों, आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के राज्य यूपी से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसे जानकर लोग बस यही पूछ रहे हैं, आखिर यूपी भयमुक्त कब बनेगा? पायनीर अखबार में छपी खबर के अनुसार 14 वर्षीय बैडमिंटन चैंपियन छात्र की पीट पीट कर हत्या। जिले में एक बार फिर छात्र की मौत से हड़कंप मच गया है। गुरुवार रात 14 वर्षीय छात्र का खून से लथपथ शव पार्क में पड़ा मिला। परिजनों ने उसके दोस्त पर हत्या का शक जाहिर किया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दोस्तों से पूछताछ कर रही है। दोस्त का कहना है कि घटना के वक्त वह ट्यूशन पढ़ रहा था। पुलिस घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कौसाम्बी क्षेत्र के पुष्प विहार में अरविंद शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह एक प्राइवेट स्कूल में मेंटेनेंस मैनेजर हैं। उनका बेटा हिमांशु शर्मा 14 वैशाली सेक्टर 1 के रेंसा स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ता था। गुरुवार शाम करीब 7 बजे वह रेडिसन होटल के पीछे पार्क में दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन देर तक जब वह घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। रात करीब 11 बजे उसका शव खून से लथपथ पार्क में पड़ा मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।